जो लोग अगर ये कहते हैं कि मोदी योगी खराब हैं, वो गलत कहते हैं, मगर योगी जी जो है अब भी फिर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ फिर आ रहे हैं। कितनी सीटें? कम से कम 350। अच्छा, हाँ देंगे मामले, बिल्कुल 350। या कहीं ऐसे ही हो जाए कि फूल अब की बार हवा में उड़ जाए? फूल नहीं, साइकिल चली जाएगी, साइकिल। अखिलेश में तो अपने घर की कलेही ना खत्म करवा दे। अच्छा, वो दूसरों की क्या करेंगे? ओवैसी जी जो है वो भड़काऊ भाषण देंगे, मुसलमानों के वोट 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट के लिए अपनी तरफ करेंगे, लेकिन मुसलमान इतने पागल नहीं है, वो अकलमंद हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं किसका कौन विकास कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आज अलीगढ़ में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने एक विश्वविद्यालय दिया, वहीं एक डिफेंस कॉरिडोर भी आज वो यहाँ पर देकर गए हैं और तमाम बातें बोल कर गए हैं, और योगी का भी जानदार भाषण रहा। इस समय हमारे पास लोग मौजूद हैं, योगी जी का और मोदी जी का भाषण खत्म होने के बाद अब जनता हमें मिली है, उनसे जरा बातचीत करते हैं कि क्या जोश खत्म हो गया या अभी भी उनके अंदर जोश बचा हुआ है, क्योंकि सुबह से लगे हुए थे। क्या लगता है सर, जोश खत्म या है अभी भी? जोश अभी है और जोश बना रहेगा जब तक योगी मोदी जी हैं, जब तक जोश बना रहेगा। अच्छा। बेहतरीन सरकार चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, और सबका साथ सबका विकास चल रहा है, सबका विश्वास चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग अगर ये कहते हैं कि मोदी योगी खराब हैं, वो गलत कहते हैं। इसको जो है आदमी जब तक किसी का साथ रहता नहीं है तो वो जानता नहीं है। अभी जो है जब साथ रहेंगे तो जानेंगे, जब जानेंगे तो पहचानेंगे, और जब पहचानेंगे तो पता लगेगी कि योगी मोदी हैं क्या। जब योगी मोदी जो है पहचानने से ही, जब किसी का साथ रहने से जो है साथ पता लगता है, और जब जो है आदमी जो है साथ रहता नहीं है, दूर से रहने से कह देता है भाई योगी खराब है, मोदी खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, अनाज बढ़ रहा है, सबको मिल रहा है, कोई योजना है सबको हो रही है, न हिंदू है न मुसलमान है। कह रहे हैं कि केवल एक ही समुदाय को मिल रहा है, दूसरे समुदाय को क्यों नहीं मिल रहा? सबको मिलता है, ऐसा दिखाओ, एक आध परिवार ऐसा दिखाओ जो कह कर नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। ये भी कह दिया है कि भाई जिसके राशन नहीं बनी वो राशन ऑनलाइन बनवाए, और जिन पर राशन नहीं है इनको जो राशन जो है राशन वाला जो है कोटे वाला देगा, अगर नहीं देता तो शिकायत करे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार मैं जाऊँगा 400 पार। भाई अखिलेश यादव का वो अपना अंदाज है, मगर योगी जी जो है अब भी फिर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ फिर आ रहे हैं। कितनी सीटें? कम से कम 350। अच्छा, हाँ देंगे मामले, बिल्कुल 350। या कहीं ऐसे ही हो जाए कि फूल अब की बार हवा में उड़ जाए? फूल नहीं, साइकिल चली जाएगी, साइकिल। अखिलेश में तो अपने घर की कलेही ना खत्म करवा दे। अच्छा, वो दूसरों की क्या करेंगे भाई, अपने घर की कले खत्म करेंगे जब तो किसी को पड़ोसी अगर रहता है और पड़ोस में दोनों में अगर कैन सुनन होती है, वो अगर नहीं बन पाए तो दूसरा तीसरे गांव का या दूसरे गांव का आने का पीट जाएगा। अच्छा। इसलिए जो है अखिलेश नहीं आ रहे, अखिलेश का आने का कोई सवाल नहीं है। योगी मुख्यमंत्री बनेंगे और मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री फिर बनेंगे। अच्छा, योगी जी का कौन सा काम सबसे अच्छा लगा? योगी जी का काम बताइए, एक आध काम आप बता दें कैसा भाई ये खराब लगा, फिर मैं बताता हूँ। भाई सबसे पहले DBT जो है रात बिरात जो घूमती थी तो गुंडे मिल जाते थे, है नहीं? आज जो है DBT कहीं पे भी चली जाए, पैदल जाए, गाड़ी से जाए या कैसे ही जाए, उसको कोई छूने वाला नहीं है। गुंडागर्दी जो वो खत्म कर दी गई। अच्छा जी, किसानों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं खराब कर दी, गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा, गरीबों के साथ गलत हो रहा है, और कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई, अभी भी गुंडागर्दी चल रही है, इतनी सारी तो तमाम चीजें हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जो एक आध बता दीजिए क्या ऐसा हुआ है। अगर जो है मैं बताता हूँ, आप लोग जो है इस चीज को देखिए कि जो है गुंडागिरी खत्म नहीं हुई। पहले जो है आप 2000 रुपए बैंक से लेकर निकलते थे तो वो डुबका के लाने पड़ते, आज 1 लाख रुपए लेकर हाथ में लेकर चले आओ, कोई छीनने वाला नहीं है। अच्छा। कोई आपको अगर ऐसा कहीं हो तो बता दें, आप ऐसा कहीं भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, क्या लगता है सर, कैसा जोश है या खत्म हो चुका जोश? जी, हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सन 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने 15 अगस्त पर लाल किले से पहला भाषण दिया था, उन्होंने ये कहा था कि अपने देश के मुसलमान भाइयों के हाथ में मैं दो चीज़ देखना चाहता हूँ, एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो।
और उन्होंने इसके मायने ही बताए थे। मेरे देश का मुसलमान भाई कुरान शरीफ को पढ़कर नेकी के रास्ते पर चले और कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर से तरक्की करे। लेकिन ये तो लोगों के ध्यान में बातें बसी हुई हैं, जो जो सरकार है, पिछली सरकार है, उन्होंने धर्म को बांट दिया है। लेकिन मोदी जी का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, सबका साथ सबका विकास, एक ही रास्ते में सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति है वो। अच्छा, सबका विकास हुआ या केवल ऐसे ही हुआ जैसे पहली सरकार है अपना विकास करती है? साथ सबका विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सब काम हो रहे हैं, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। अब देखे हैं मोदी को, देखिए हम ना मोदी की बात ले कह रहे हैं कि मोदी के अलावा कोई हिंदुस्तान में संभालने वाला पैदा नहीं है। आज ये छोटे छोटे नेता अपनी अंग्रेजी बोल रहे हैं, अपने इधर मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, ये कांग्रेस का गल्ला बना रहे हैं। कोई बचा लेगा देश को इस आतंकवाद के चक्कर में? आज हमारे देश को मोदी ने ही बचाया है और मोदी बचाएंगे। हम तो मोदी के गुलाम और मोदी के सब कुछ हैं। अच्छा, बस हमने मोदी चाहते हैं, मोदी आए और हमारे देश को बचाएं, सबका विकास और सबकी कल्याण करने वाले केवल मोदी ही हैं। और योगी जी कैसे लगते हैं 2022 में, अब की बार क्या होगा? सब कुछ होगा, मोदी ही जीतेंगे। अच्छा, मोदी जीतेंगे, हर जगह मोदी जीतेंगे। अच्छा, सब हिंदू मुसलमान का कभी नाम नहीं लिया मोदी जी ने, हमेशा भारतीय बोले, हमेशा भारतीय भाषा में बात बोली, उन्होंने कभी मुसलमान हिंदू का नाम ही नहीं लिया। अच्छा, बस हम तो इसी बात में खुश हैं कि सब कौमे सब एक साथ रहे और सब आनंद से करें। अब मोदी की आयु बढ़े, हमारी आयु भी मोदी को लग जाए। अच्छा, तो जी ये तो कह रहे हैं इनकी भी आयु मोदी जी को लग जाए, आप क्या कहेंगे अब की बार क्या होने वाला है? हमारे मोदी जी चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। अच्छा, और आज हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमने अपने इतना संघर्ष करके यहाँ तक आए और संघर्ष करते रहेंगे। हम मोदी जी को चाहते हैं, योगी जी को चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है आज भीड़ में फंस गए अगली बार ना हो? ऐसा कभी नहीं होगा, भविष्य में नहीं होगा। 2022 में मूड तो नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। मोदी अभी कई लहर आती है, ये एकदम देखा साइकिल अच्छी चल रही है। नहीं नहीं, मोदी जी योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी योगी जी जिंदाबाद। अच्छा, दोनों बढ़िया रहेंगे, दोनों बढ़िया रहेंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, ओवैसी अब की बार आने लग रहे हैं, क्या ओवैसी जी का कुछ लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, योगी जी जो आ रहा है, वो ओवैसी जो आ रहे हैं वो अपनी जगह पे आ रहे हैं। अच्छा, हम जो है अपनी जगह पर लड़ा रहे हैं, वो जो है 100 सीट पर लड़ रहे हैं। अब 100 में और 403 में फर्क है। अच्छा, वो नहीं टक्कर ले सकते। अच्छा, वो जो है दूसरों का गणित बिगाड़ेंगे, अपना गणित संभालेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब उलट पुलट करेंगे मामला, बस उलट पुलट का है। अच्छा, हाँ जी, ओवैसी जी जो हैं, जो ओवैसी जी जो हैं वो भड़काऊ भाषण देंगे मुसलमानों के वोट 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट के लिए अपनी तरफ करेंगे। लेकिन मुसलमान इतने पागल नहीं है, वो अकलमंद हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं किसका कौन विकास कर सकता है। तो ओवैसी जी अगर अपनी हद में रहें तो बहुत बेहतर है। जहाँ हैं वो कुछ नहीं कर सकते यूपी का, ना ही हमारे हिंदुस्तान का, वो हैदराबाद में ही रहें और वहीं रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ सकते, उनकी भी साथ पास इतनी ही है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने जनता से बातचीत करी कि क्या लगता है कैसे होना चाहिए, ओवैसी के बारे में भी पूछा और तमाम सवाल पूछे। आपको एक खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।